नमस्कार बच्चों, मैं निर्जला शर्मा, सनशाइन पब्लिक हाई स्कूल मूसाचक की अध्यापिका, आज आपको कक्षा 10 का पहला पाठ साखी पढ़ाने जा रही हूँ। तो बच्चों, साखी के रचयिता कबीर दास जी हैं। कबीर दास जी के काव्यों का जो विषय रहा है, वे हमेशा से सामाजिक और धार्मिक बुराइयों का खंडन करना रहा है। तो कबीर दास जी का जन्म सन 1398 में कांशी में हुआ। ऐसा माना जाता है कि इन्हें एक विधवा ब्राह्मणी ने जन्म दिया और लोकलाज के भय से लहर तारा नामक तालाब के किनारे रख दिया। वहाँ से नीरू नामक जुलाहा दंपति ने इन्हें उठा लिया और इनका पालन पोषण किया। बाद में यही बालक कबीर के नाम से विख्यात हुए। तो बच्चों, कबीर दास जी जो है वो कहते हैं कि अनपढ़ थे, वो कभी विद्यालय नहीं गए। उन्होंने अपने बारे में स्वयं कहा है, मासी कागज छुओ नहीं, कलम गही ना हाथ। वे जो कहते उनके शिष्य उन्हें लिपिबद्ध करते थे। तो इन्होंने अपनी कविता के माध्यम से समाज सुधार की आवाज़ उठाई है। तो कबीर दास जी की जो साखियां हैं वो दोहा छंद में विरचित हैं। इन्होंने आपके जो पहला पाठ है इसमें 8 साखियां हैं। इसमें से पहली साखी है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करें औरन को सुख होई। तो पहले बच्चों, मैं आपको इसके कठिन शब्दों के बारे में बता दूंगी। वाणी बोली आपा अहंकार या फिर अहम, खोई त्याग करना, शीतल शीतल ठंडा, यहाँ पर अच्छा कहेंगे इसको, और दूसरों को होई होना। तो इसमें कबीर दास जी ने हमें अहंकार से रहित मीठी वाणी बोलने की प्रेरणा दी है। तो इसमें कबीर दास जी अहंकार और कटु वचन त्यागने का संदेश देते हुए कहते हैं कि लोगों को अपने मन का अहंकार त्याग कर अपने मुंह से ऐसे मीठे वचन बोलने चाहिए जिससे उनका अपना शरीर शीतल अर्थात शांत और प्रसन्न हो जाए, और जिससे उनका और सुनने वाले को भी सुख मिले। भाव ये है कि हमें सदैव दूसरों से मीठे बोल ही बोलने चाहिए और हमें आपस में मधुर व्यवहार करना चाहिए। दूसरी साखी है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे गटी गटी राम हैं दुनिया देखे नाही। तो यहाँ पर कुंडली हो गया नाभि और मृग हिरण को कहेंगे, गटी गटी कन। तो इस साखी में कवि ने हमें भगवान की सर्वव्यापकता के बारे में बताया है कि ईश्वर जो हैं वो गट गट में कण कण में हैं। तो कबीर जी कहते हैं कि जिस प्रकार कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ मृग अर्थात हिरण की ही नाभि में होता है, पर वह उसकी सुगंध से व्याकुल होकर उसे खोजने के लिए वन वन में भटकता रहता है, उसी प्रकार भगवान तो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निवास करते हैं, पर संसार के लोग अज्ञानतावश भगवान को देख नहीं पाते और भगवान को कहाँ ढूंढते हैं, मंदिरों में मस्जिदों में खोजते फिरते हैं। तो इसका भावार्थ ये हुआ, ईश्वर तो सृष्टि के कण कण में है तथा सभी प्राणियों के हृदय में रहता है, इसलिए ईश्वर को कहाँ खोजना चाहिए, बाहर ना खोजकर अपने मन के भीतर खोजना चाहिए। तो अगली साखी है, जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी हैं मैं नहीं, सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखिया माही। तो यहाँ पर मैं क्या है, मैं यानी कि जो हमारे अंदर का अहंकार है, अहम है, तो हरी परमेश्वर को कहेंगे और अंधियारा यानी कि अंधकार। तो इसमें कबीर दास जी इस बात पर बल देते हैं कि अहंकार के नाश होने पर ही मानव को भगवान प्राप्त हो सकते हैं। तो कबीर दास जी कहते हैं, जिस समय मेरे अंदर मैं अर्थात अहंकार भरा हुआ था, उस समय मुझे ईश्वर नहीं मिल पा रहे थे। अब जब मुझे ईश्वर के दर्शन हो गए हैं तो मेरे भीतर का मैं अर्थात अहंकार समाप्त हो गया है। जैसे ही मैंने उस ईश्वर को ज्योति स्वरूप ज्ञान रूपी दीपक को मैंने मन में देखा, तो मेरा सारा रूपी अज्ञान रूपी अहंकार जो था वो समाप्त हो गया। तो इसका भाव ये हुआ कि अहंकार के कारण ही मनुष्य ईश्वर का दर्शन नहीं कर पाता है तथा ईश्वर प्राप्ति के बाद अज्ञान रूपी अंधेरा जो है वो दूर हो जाता है। तो अगली साखी है, सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर हैं, जागे अरु रोवे। सुखिया जाने की सुखी, अरु अज्ञान रूपी अंधकार, सोवे सोए हुए, दुखिया दुखी और रोवे
रो रहे हैं। तो कबीर दास जी संसार के लोगों के यहाँ पे सुख दुख का वर्णन कर रहे हैं। तो कबीर दास जी कहते हैं कि संसार केवल खाने तथा तो सोने में मस्त है, जबकि यह उसका उद्देश्य नहीं है। मनुष्य की स्थिति को देखकर कबीर जी को रोना आता है, क्योंकि कबीर जी जाग चुके हैं। वे मनुष्य जीवन के वास्तविक उद्देश्य को बलिभांति जान गए हैं। भाव यह है कि मनुष्य को विषय वासनाओं में लीन और ईश्वर भक्ति से हीन देखकर कबीर दुख का अनुभव कर रहे हैं। तो इस काव्यांश के माध्यम से कबीर ने कहा, यहाँ पर संसारिक और ज्ञानी व्यक्ति के अंतर को भी हमें स्पष्ट करके बताया है। अगली साखी है, विरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम भी योगी ना जिवे, जिवे तो बोरा होई। विरह जानी की बिछड़ने का गम, या फिर वियोग दूरी, हमें ईश्वर से जो दूरी है उसे विरह कहा है यहाँ पे। तो भुवंगम भुजंग जा सांप को और बोरा पागल को। तो इस दोहे के माध्यम से विरह रूपी सांप के दुष्परिणाम से उन्होंने हमें अवगत कराने का प्रयास किया है। तो कबीर दास जी के अनुसार ईश्वर का विरह सर्प की भांति है। जो ईश्वर से हमारा वियोग है उस सांप की भांति है, जिसका विष जो है तन में व्याप्त होने पर कोई मंत्र या झाड़ फूंक काम नहीं करता है। तो जो ईश्वर का वियोग है उस विरह व्यथा से जीता नहीं है, अगर वह जीता भी है तो उसकी स्थिति पागलों की जैसी हो जाती है। तो इसमें भाव यह है कि भगवान के प्रेम में पागल प्राणी सभी संसारिक बंधनों को त्याग देता है और अपने में ही मस्त रहता है, जिसके कारण उसको लोग पागल समझते हैं। तो निंदक नेड़ा राखिए, आंगनी कुटी बंधाई, बिन सावन पानी बिना निर्मल करे सुवाई। तो यहाँ पे निंदक, निंदा करने वाला, जो हमारी निंदा करते हैं उनको निंदक कहते हैं। तो नेड़ा निकट अपने पास समीप रखना, तो आंगनी आंगन और सावन साबुन को, निर्मल साव सुभाई स्वभाव को। तो यहाँ पर कबीर दास जी क्या कहते हैं, यहाँ पर वो हमें ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें अपने निंदकों को हमेशा अपने समीप रखना चाहिए। जो हमारी निंदा करते हैं उनको अपने से दूर नहीं होने देना चाहिए, इससे हम अपना आत्म सुधार कर पाएंगे। तो कबीर दास जी कहते हैं कि निंदकों के लाभों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम अपनी निंदा से डरो नहीं, अपितु निंदा करने वाले को अपने घर में, अपने आंगन में ही कुटिया बनाकर हमेशा अपने पास रखो। ऐसा करने से वे बिना साबुन और पानी का उपयोग किए आपके स्वभाव को अच्छा बना देगा। तो भाव ये हुआ कि निंदा करने वाले की बातें सुनकर हमें परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी निंदा करके हमें वो आत्म सुधार करने का अवसर दे रहे हैं। तो पोथी पड़ी पड़ी जग बुआ, पंडित भया न कोई, एक ही आशीर पीव का पढ़े सो पंडित हो। यहाँ पे पोथी पुस्तक को कहेंगे, मुवा मरना, भया बनना और आशीर अक्षर को, और पीव यहाँ पर क्या हो गया, उस प्रियतम को जो ईश्वर को भी कहते हैं हम। तो इस साखी में कबीर ने सच्चे ज्ञानी से संबंधित जानकारी देने का प्रयास किया है। तो इस दोहे में कवि कहते हैं कि संसार में कई लोग पुस्तकें व ग्रंथ पढ़ पढ़कर मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, पर वास्तविक पंडित कोई नहीं बन पाया। इसके विपरीत जो मनुष्य ईश्वर प्रेम का एक भी अक्षर पढ़ लेता है वह सच्चा ज्ञानी हो जाता है। तो कहने का भाव ये हुआ कि वास्तविक ज्ञानी वही है जो ईश्वर से प्रेम में सफल हो जाता है, पोथे पढ़ने मात्र से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता है। तो आखिरी आपकी साखी है, हम घर जाले अपना, लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो ताश का, जो चले हमारे साथी। जालिया मतलब जलाना, अपना अपना मुराड़ा जलती हुई लकड़ी ज्ञान, जालो जलाऊं, और ताश का कहेंगे हम उसको। तो इस दोहे में उन लोगों के हृदय में वैराग्य उत्पन्न करना चाहते हैं कवि, जो प्रभु भक्ति में तल्लीन रहते हैं। तो कबीर जी कहते हैं कि मैंने तो ईश्वर भक्ति से जलती हुई ज्ञान रूपी मशाल से घर गृहस्थी के प्रति आसक्ति को जला दिया है, अब उनको कोई मोह नहीं रहा है, क्योंकि अब उनमें ज्ञान रूपी मशाल उन्होंने जला ली है। परंतु जो मेरे व्यक्ति के भक्ति के मार्ग पर मेरे साथ बनेंगे उन्हें भी गृहस्थ के प्रति आसक्ति को त्यागना होगा। तो भाव यह है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए विषय वासनाओं और गृहस्थ के प्रति आसक्ति को त्यागना होगा, हमें अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ना होगा। तो धन्यवाद बच्चों, ये थी आपका पहला पाठ साखी।